मप्र कर्मचारी समाचार। एमपी के अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ा झटका, लिस्ट हो रही सेवा होगी समाप्त। तैयार, सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों एमपी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बड़ा झटका लगने वाला है। प्रदेश की शिवराज सरकार अयोग्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की तैयारी में है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग गैट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने सभी विभागों को 20 साल की सेवा और 50 साल की आयु वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने को कहा है। बीते दिनों कलेक्टर कमिश्नर आईजी पुलिस अधीक्षक की वीडियो कॉन्फ्रेंस कलेक्टर कमिश्नर वीसी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे कि जो अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्व को ना निभाकर पद का दुरुपयोग कर रहे हो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को 20 साल की सेवा और 50 साल की आयु वाले कर्मचारियों की जानकारी निकालने और सूची तैयार करने को कहा है। इसमें विभाग खुद भी आईएएस आईएएस राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ मंत्रालय के कर्मचारियों की जांच करने में जुटा है। वही राज्य पुलिस सेवा पुलिस अफसरों और आईपीएस इप्स की जिम्मेदारी गृह विभाग को दी गई है। इसके अलावा आईएफएस और राज्य वन सेवा के अधिकारियों के अभिलेखों की जांच वन विभाग करेगा। सभी विभाग दिसंबर तक अपनी प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में फॉर्मूला 50/20 का उपयोग करते हुए अक्षम अयोग्य और निगम में कर्मचारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी है। इस लिस्ट में 90 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के नाम शामिल है। नगरीय प्रशासन एवं विकास के कमिश्नर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को लेटर जारी करके 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसके बाद अंतिम फैसला मप्र प्रशासन द्वारा लिया जाएगा।